हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में एक बहुत ही बड़े गेम को कुछ दिनों पहले ही बैन किया गया है, जिसका नाम है पबजी। एंड उसके यूज़र्स की बात करें दोस्तों, तो इंडिया में उसको लाखों करोड़ों खेलने वाले थे, यूज़ करने वाले थे, बहुत सारे उसके फैंस थे। उसी गेम के दौरान बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी थे जो लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, एंड वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग में पबजी मोबाइल प्ले करते थे एंड अदर्स गेम्स को भी प्ले करते थे। बट सबसे ज़्यादा उनका अगर चैनल ग्रोथ मिला है तो पबजी लाइव स्ट्रीमिंग करके ही मिला है। भले अगर हम बात करें डायनेमो गेमिंग या मॉर्टल या स्काउट, इन सभी का जो चैनल है वो पबजी मोबाइल के गेम प्ले के दौरान ही इतना ग्रोथ कर पाया जल्दी से। एंड कैरीम नाइट भी प्ले करता था, बट उनका चैनल पहले से ही ठीक ठाक था ग्रोथ में। बट इन तीनों का, जिनका मैंने नाम लिया, डायनेमो या मॉर्टल, ये सब का पबजी गेमिंग को ही लाइव स्ट्रीमिंग करके इतना अच्छा ग्रोथ मिल गया चैनल को। अभी इनके चैनल पे मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज़्यादा है तो पबजी की वजह से। बट अब जब पबजी बैन हो गया है इंडिया में, तो ये लोग भी सोचते होंगे कि अब किस गेम का लाइव स्ट्रीमिंग करें। ये लोग किसी का तो कर लेंगे, बट पबजी जितना फेमस गेम अभी शायद नहीं है मार्केट में, बट बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। तो उसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में ही बात करेंगे कि कौन सा न्यू गेम है, एंड उसका भी लाइव स्ट्रीमिंग करके बहुत सारे चैनल अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं अपने। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखना, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पबजी इंडिया में एक नंबर का गेम था, मतलब गेम में सबसे नंबर वन पे आता था। एंड इसको लेकर बहुत सारे चैनल्स को मैंने जैसे बताया कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करते थे एंड वो अपने चैनल को प्लेइंग करते थे, गेम्स खेलते थे एंड लाइव स्ट्रीमिंग करते थे। एंड जब पबजी लॉन्च हुआ था तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था धीरे धीरे करके, एंड ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इसके लाखों करोड़ों यूजर्स पर डे बढ़ते गए। एंड इंडिया में इसके सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं एंड पबजी प्लेइंग करते हैं। एंड दोस्तों, इस गेम की अगर बात करें तो जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ऐसा कोई गेम नहीं था, ऐसा ग्राफिक्स के साथ, ऐसा मतलब सेंसिटिविटी या कुछ भी बात कर ले, ऐसा मतलब कुछ गेम प्ले या कुछ भी बोल ले दोस्तों, मैप या कुछ भी उसकी बात कर ले पबजी की, तो वो सब गेम से अलग थी। एंड इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। वो जब न्यू लॉन्च हुआ था तो उसके मतलब टक्कर देने वाला कोई ऐसा गेम नहीं था उस समय। बट अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि पबजी इंडिया में बैन हो चुका है, एंड दोस्तों मैंने जो इस गेम की खासियत बताई उसी के कारण ये गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। एंड इसको बहुत सारे लोग खेलते थे, यहाँ तक कि मैं भी खेलता था। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जब इसमें लिविक मैप का अपडेट आया था, एंड मैंने उसका गेम प्ले भी करके दिखाया था, तो मैं भी खेलता था। बट अब नहीं खेल पाऊंगा, एंड उसकी बात नहीं है दोस्तों खेल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, बट ये सबसे पहले नेशन की बात आती है दोस्तों आपके लिए। नेशन आपके लिए सबसे पहले है, गेम तो आते रहेंगे, दूसरे आते रहेंगे, आपका देश का भी कोई गेम है आप वो भी खेल सकते हो, बट नेशन आपके लिए सबसे पहले है। पबजी बैन हो गया तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एंड दोस्तों, अब जबकि ये गेम इंडिया में बैन हो चुका है तो दुख तो बहुत सारे लोगों को है, एंड बहुत सारे लोग तो दोस्तों ऐसे हैं कि रो भी रहे हो जो दिन रात पबजी खेलते थे, दिन रात सिर्फ फ़ोन में ही घुसे रहते थे एंड पबजी पबजी दिन रात खेलते थे। तो वो बहुत सारे लोग ने ऐसे भी देखे जो रो भी रहे हैं, एंड स्टेटस में सब चेक किया तो वो बहुत सारे लोग ऐसे भी जो रो रहे हैं। बट दुख तो हुआ है दोस्तों बहुत सारे लोगों को, सैडनेस का तो न्यूज है दोस्तों। बट इसी बीच हमारे बीच एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि आपको पता ही चल गया दोस्तों कि एक इंडिया में एक न्यू गेम लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम होगा फौजी। आपको पता होगा दोस्तों कुछ दिनों, जिस दिन पबजी बैन हुआ था उसके उसी दिन या उसके एक दिन बाद ही शायद अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया था, मैं आपको वो अभी दिखा देता हूँ। एंड यही है वो पोस्टर दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिख हुआ है कमिंग सून फौजी। तो यही वो इमेज है गेम का जो फर्स्ट बाहर आया, जिसको अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। एंड इस गेम को खुद अक्षय कुमार सर ही लॉन्च कर रहे हैं, एंड जिसके कारण इन्होंने जिस दिन पबजी बैन हो तो उसी दिन अपने ट्विटर हैंडल पर इस गेम का पोस्टर को लॉन्च किया था एंड कुछ ट्वीट्स भी दिया था, तो मैं वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जिस दिन इस गेम का अनाउंसमेंट मतलब लॉन्च जिस दिन इस गेम का अनाउंसमेंट हुआ था, जिस दिन अक्षय कुमार सर ने अपने मतलब ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, तो उस समय से लेकर बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये चल रहा है कि ये कब लॉन्च होगा। बहुत सारे लोगों को मतलब एक्साइटमेंट है कि ये बहुत जल्दी लॉन्च हो जाए, क्योंकि पबजी तो दोस्तों बैन हो चुका है एंड उनको कोई ना कोई गेम चाहिए प्ले करने के लिए। तो इसका रिलीजिंग डेट तो दोस्तों अभी बाहर नहीं आया, बट बहुत सारे रूमर्स ऐसे निकल रहे हैं कि ये शायद हो सके तो सितंबर नहीं तो अक्टूबर के एंड तक में आ जाएगा। एंड इस गेम की बात करें दोस्तों तो ये शायद अप्रैल में से ही ये डेवलप हो रहा, मतलब उसी टाइम से ये बन रहा था गेम, बट इसके उसी टाइम इसको मतलब बोला गया था कि ये अक्टूबर तक लॉन्च हो सकता है। बट जब आपकी पबजी बैन हो चुका है तो बहुत सारे लोगों को मन में एक्साइटमेंट है कि इस गेम को जल्दी से जल्दी
लॉन्च किया जाए ताकि वो भी इस गेम को खेल कर मज़ा ले सके एंड इस गेम के ग्राफिक्स या सब चीज़ को चेक कर सके कि ये पबजी जैसा ही है या पबजी से अलग है कुछ। पबजी जैसा तो मुझे नहीं लगता होगा दोस्तों, क्योंकि सेम वैसा तो कर नहीं सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग आशा कर रहे हैं कि ये पबजी जैसा हो या पबजी से भी अच्छा हो, तो बहुत अच्छा है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये अक्टूबर तक का जो रूमर्स निकल रहा है कि अक्टूबर के एंड तक में आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग जल्दी ही मांग रहे हैं, बट जब लॉन्च डेट होगा तो पता चल ही जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कब ये लॉन्च होता है गेम एंड कितना अच्छा होता है। एंड इस गेम की और सब फीचर्स की बात करें, ट्वीट की बात करें दोस्तों, तो इस गेम की कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस गेम को अक्षय कुमार सर लॉन्च कर रहे हैं। एंड ये इसका नाम तो दोस्तों पता चल गया होगा, फौजी। एंड इसका एक दोस्तों जो है इस मतलब रेवेन्यू जो होगा इसका, मतलब 20% ऑफ द नेट रेवेन्यू जनरेटेड विल बी डोनेट टू भारत के वीर ट्रस्ट में। जो इस गेम से 20% का अर्निंग होगा वो भारत के वीर ट्रस्ट में दान किया जाएगा इस गेम के थ्रू। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों, क्योंकि इस गेम का जो भी 20% अर्निंग होगा वो भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगा, जिससे हमारे भारत के मतलब फौजी भाइयों को वो ट्रस्ट के द्वारे मिल जाएगा, ट्रस्ट के द्वारा मिल जाएगा। एंड दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, पबजी का फुल फॉर्म था प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। एंड दोस्तों इस गेम की बात करते हो, जैसा कि आप सबको पता है इस गेम का नाम फौजी है, तो इस गेम का फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। दोस्तों मुझे लगता है जहाँ तक ये एक बेसिकली गेम होगी दोस्तों इंडियन सोल्जर्स के बेसिस पे एंड वो बॉर्डर के साइड्स पे बेस होगी, मतलब एक देश से दूसरे देश से लड़ाई ऐसे टाइप के। एंड दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा अभी गलवान घाटी में बहुत सारे ये चल रहे हैं, तो उस बेस पे भी इसका मतलब फर्स्ट लेवल का जो रैंक हो सकता है वो फर्स्ट लेवल वो हो सकता है, गलवान घाटी का भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। एंड ये पक्का है दोस्तों कि ये इंडियन सोल्जर्स के बेसिस पे इस गेम को लॉन्च किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। एंड इसके जो ट्रस्ट की बात की गई कि 20% डोनेट किया जाएगा, तो वो भी बहुत ही अच्छी बड़ी न्यूज है एंड बहुत ही अच्छी बात है। एंड दोस्तों आपको ये भी बात पता होगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो पोस्टर लॉन्च है इस गेम का, ये मतलब चोरी किया हुआ है, स्टॉक से चोरी किया हुआ है। तो छोड़े दोस्तों, सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गेम लॉन्च हो रहा है, बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है। एंड मैं अपने बता दूं दोस्तों, तो ये अक्टूबर के एंड तक लॉन्च हो सकता है मुझे जहाँ तक पता चला है। एंड ये इंडियन बेसिस सोल्जर्स पे ही ये बनाई जाएगी, जैसा कि आपको पोस्टर में देख रहा है इंडियन सोल्जर्स एंड वो इंडिया का फ्लैग भी जो आर्म्स पे है उनके वो भी शो हो रहा है। तो ये फुली इंडियन गेम होगी एंड ये इंडियन मेड होगी। दोस्तों अगर बात करें ये गेम पबजी जैसा होगा, तो ये पबजी जैसा नहीं होगा, पबजी जैसा कॉन्सेप्ट हो सकता है बट पबजी की तरह नहीं होगा। तो देखते दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये गेम लॉन्च होने वाला है, मैं भी एक्साइटमेंट में हूँ, आप सभी को मुझे पता है कि आप सभी एक्साइटमेंट में हो कि कब ये गेम लॉन्च हो एंड आप इसको खेल कर मजा ले। तो वेट करते हैं दोस्तों अक्टूबर तक का, एंड अक्टूबर के एंड में तो ये गेम लॉन्च हो ही रहा है शायद से, जैसे डेट पता चलेगा मैं आपको न्यूज़ देते रहूँगा। तो यही थी दोस्तों इस गेम की न्यूज एंड यही गेम लॉन्च हो रहा है इंडिया में एंड बहुत ही अच्छा दोस्तों, पबजी का मतलब अल्टरनेटिव आप बोल सकते हैं, पबजी को मतलब ये टक्कर देने का पूरा गेम रखता है ये। तो लॉन्च होने देते हैं दोस्तों इंडिया में एंड देखते हैं। तो ये छोटी सी न्यूज़ दोस्तों, बट वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट अच्छी न्यूज़ थी दोस्तों एंड आपके साथ शेयर करना चाहता था इसीलिए वीडियो बनाई। तो आई होप करता हूँ दोस्तों आपको पता चल गया ये गेम कब लॉन्च हो रहा है, क्या है इस गेम के फीचर्स। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड अगर हमारे आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।